हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुभेंद्र मौर्य और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस प्रकार से अपने naukri.com के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिलीट करना है। तो आज आपको इस वीडियो में प्रॉपर सीखने के लिए मिलेगा और आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आप क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर तो आपको गूगल के होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है नौकरी, ठीक है, डॉट कॉम नहीं लिखना है, सीधा आप नौकरी लिख देंगे तब भी यहाँ पर पेज खुल जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं naukri.com रजिस्टर्ड नाउ पे, तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इसके होम पेज पे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन आपने अभी यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है या आपने बना रखा है तो आज जो हम सीख रहे हैं वो यहाँ पर आप अकाउंट कैसे डिलीट करेंगे। तो आपने जो अपना ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना रखा है तो उसे लॉगिन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पर आप इसे लॉगिन कर देंगे। और लॉगिन के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट, यहाँ से आप गूगल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट जिससे आपने अटैच कर रखा है या आपने जो भी आपने यूजर नेम दिया है, पासवर्ड दिया है, तो आपको यहाँ पर उसको डाल देना है। और यहाँ पर आपको जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है और यहाँ पर तो यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इसका इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ से आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो भी आपके अकाउंट की डिटेल है। आपने यहाँ पर जिस तरह से अकाउंट बना रखा है तो सब कुछ यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वो यहाँ पर आप उस अपने अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, मोर का ऑप्शन आपको मिल रहा है और यहाँ पर माई नौकरी के ऑप्शन पे आपको आना है और यहाँ पर आपके सेटिंग में जाना है। आपको सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ सिलेक्टेड वाले ऑप्शन पर आ जाना है और थोड़ा और नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रीड मोर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा और इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर आपका लिख के आएगा योर अकाउंट बिल बी डीएक्टिवेट फॉर। तो आप यहां से आपको डीएक्टिवेट चाहते हैं जो अपना अकाउंट है और या डिलीट करना चाहते हैं तो आज के ऑप्शन में हमने डिलीट, तो आप डिलीट कैसे करेंगे, जैसे आप डिलीट को सिलेक्ट करते हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा कि आप ये अकाउंट डिलीट कर रहे हैं तो आपको क्या वजह से। तो यहाँ पर आई एम गेटिंग फॉर मनी मैनी फोन्स कॉल फ्रॉम, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रिसीव का है और थर्ड है मैनी ईमेल वगैरह। तो यहाँ पर मैं यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ और यहाँ पर फाउंड ए न्यू जॉब आई हैव डुप्लीकेट अकाउंट, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पर इसको, आपको जो लगता है आप उस हिसाब से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आई एम गेटिंग टू मैनी ईमेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर एंटर पासवर्ड, जो आपके अकाउंट का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पर डिलीट अकाउंट एंड लॉगआउट, तो ये यहाँ पर अब आपका जो अकाउंट है पूरी तरह से यहाँ से डिलीट होने वाला है।
तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अकाउंट है यहाँ पर परमानेंट डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर अब जो अकाउंट है उसका कोई नाम वगैरह यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, जो अभी ऊपर आ रहा था अभी, तो यहाँ जो अकाउंट है वो पूरी तरह से यहाँ पर रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड आपने, हेलो फ्रेंड, तो आपने यहाँ पर सीखा कि यहाँ पर आप अपने naukri.com के अकाउंट को परमानेंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ कमेंट शेयर लाइक करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।